सिविल अस्पताल सुंदरनगर प्रबंधन ने अस्पताल परिसर में दवाई डोनेशन बॉक्स को स्थापित किया गया। इसे स्थापित करने के पीछे अस्पताल प्रबंधन की मंशा जरूरतमंद मरीजों को दान स्वरूप मिलने वाली दवाइयां निशुल्क भेंट करना है। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चमन सिंह ठाकुर ने बताया कि अस्पताल में दवाई डोनेशन बॉक्स से मिलने वाली दवाई से जरूरतमंद और मजबूर मरीजों की सहायता की जाएगी। घरों में लंबी एक्सपायरी वाली बिना प्रयोग के दवाइयां अक्सर पड़ी रहती हैं या उन्हें फेंक दिया जाता है। अगर इन दवाइयों को यहाँ अस्पताल में देने से यहाँ दवाइयाँ प्रयोग में लाई जा सकती हैं। सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर में दवाओं के लिए एक डोनेशन बॉक्स हमने यहाँ पे लगवाया है, जो कि हमने रजिस्ट्रेशन काउंटर और जो जनरल ओपीडी के बाहर लगाया है। इस डोनेशन बॉक्स का लगाने का उद्देश्य हमारा ऐसा है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं, गरीब लोग आते हैं जिन्हें जिनके पास दवाएं खरीदने के लिए कई बार ऐसा नहीं होता है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग जिनके पास कई बार ऐसा होता है कि दवाइयां एक्स्ट्रा हो जाती हैं, कई बार किसी कारणवश कई पेशेंट ठीक हो जाता है उसके बाद वो दवाओं की ज़रूरत नहीं रहती है, या कोई कई बार पेशेंट मतलब दवाइयां शिफ्ट कर देते हैं कि भाई ये दवाई बंद होगी दूसरी दवाई चालू करने की, जो दवाइयां किसी भी कारण से बचती हैं, तो हम लोगों ने वो डोनेशन बॉक्स जो है रखा है। जो दवाइयां लोगों के पास है और जिनकी एक्सपायरी अभी थोड़ी लंबी है, तो मैं यहाँ पर लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि वो जो दवाइयाँ हैं उस डोनेशन बॉक्स में डालें, ताकि किसी गरीब जरूरतमंद आदमी के वो दवाइयाँ काम आ जाएं। तो ये इस ऐसा इनिशिएटिव हमारे यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर में गवर्निंग बॉडी में ये डिसीजन लिया गया था, तो उसको हमने इसमें इसका कार्यान्वयन किया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से गगन शर्मा की रिपोर्ट।